आत्महत्या करने का मन कर रहा है, जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, इस जीवन को ख़त्म कर देने का मन कर रहा है। रोज़ रात को सोते हैं तो ऐसा मन करता है कि सुबह ना ही हो, नींद ना ही खुले, जीवन ऐसा हो गया है। कारण कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो गया है, नशे की आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई छोड़कर चला गया है, अपने आप में किसी योग्य नहीं समझ रहे हैं खुद को। हजारों कारण हो सकते हैं मरने के, पर दोस्त ये वीडियो तक आज आप पहुंचे हो तो मैं आपको जीने की एक उम्मीद देना चाहता हूं कि हजारों कारण हो सकते हैं मरने के, लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक कारण की जरूरत है, सिर्फ एक रीजन की जरूरत है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, ठीक है मरना चाहते हो, ठीक है मानता हूं, पर कर्मों का एक सिद्धांत को समझो। कर्मों पर हमने बहुत सारी चर्चा की बेटा, आज इस प्रारब्ध को भोग रहे हो आप, अपने जाने अनजाने किए कर्मों के फलों को भोग रहे हो, इसलिए जीवन नरक हो रखा है। लेकिन अगर यहाँ पर गिवअप करके चले गए, यहाँ पर छोड़ के चले गए, तो क्या लगता है ये छूट जाएगा, इससे बच जाओगे? नहीं बच पाओगे, अभी और जन्म लेने हैं हमें, ये प्रारब्ध नहीं छूटेगा बच्चा, नहीं छूटेगा। इसलिए परमात्मा के सामने सरेंडर कीजिए, नतमस्तक होइए, उन्हें बताइए, अपनी करुणा से भरी हुई आवाज़ से उन्हें बताइए कि आपको तकलीफ है, आप अच्छे होना चाहते हैं, आपको जीवन जीना है, और तब परमात्मा खुद आपके लिए खड़े होंगे। महाभारत में भगवान कृष्णा ने अर्जुन के साथ मिलकर चीटिंग की थी ना, उनके कर्मों को भोगने के लिए, उनके कर्मों को काटने के लिए परमात्मा ने चीटिंग की थी ना। परमात्मा चीटिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर को नहीं बदल सकते, उनके हाथ में सॉफ्टवेयर को बदलना नहीं है, वो नहीं बदलते, क्योंकि उन्होंने उसको बना करके ऐसे ही छोड़ा है कि हर किसी को अपना प्रारब्ध भोगना होगा। पर जब हम उनको याद करते हैं, जब हम उनसे सहायता मांगते हैं, और जब हम अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हैं, तो वो खुद हमारे साथ खड़े होते हैं। आत्महत्या कर लोगे, इस जीवन को ख़त्म कर लोगे, तो क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा, अपने पीछे सब कुछ अच्छा छोड़ के चले जाओगे? बहुत लोगों को ऐसा लगता है आजकल, वो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के जो होते हैं ना, कि टर्म प्लान ले लो, 2-4 सालों के बाद किसी तरीके से मर जाओ ताकि परिवार को पैसा मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपके पीछे पैसा उन्हें मिल जाएगा तो शायद वो खुश हो जाएं, लेकिन अगर आपने किसी भी कारण से, आप जीवन में जो भी बर्बादी आई होगी, अगर आपने अपने आप को बदल दिया और उनके लिए लग गए, उनके सुख के लिए, उनके सेवा के लिए, तो उन्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी। कुछ नहीं होता है तो कम से कम ये कर, मोबाइल छोड़ दो, घर छोड़ दो, चले जाओ, एक यात्रा में निकल जाओ, खाली हाथ यात्रा में निकल जाओ, भीख मांग के खाओ, कहीं मेहनत मजदूरी करके खाओ, किसी मंदिर के भंडारे में जाके खाओ, अपने आप के साथ एक समय बिताओ, 30-40 दिन बाहर जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, किसी बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में चले जाओ, वहाँ फ्री में खाना मिलता है, किसी गुरुद्वारे के लंगर तरफ चले जाओ, वहाँ फ्री में खाना मिल जाता है, किसी भी आश्रम में है, अमृतसर चले जाओ आप, ऋषिकेश चले जाओ, कई सारे आश्रम, वहाँ सेवा दान दो और खाना मिल जाएगा, शिरडी चले जाओ, जो भी धर्म के हो आप, अपने धर्म के किसी तीर्थ स्थल पे चले जाओ, वहाँ रहो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पत्तों को बीनो, कचड़े को बीनो, उठाओ, निकालो, साफ करो, और जो मिलता है खाओ, परमात्मा का नाम लेके परमात्मा से अपने लिए विनती करो, जाने अनजाने की भूलों के लिए क्षमादान मांगो, हाथ पैर सलामत है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा बेटा। बोला ना, परमात्मा सब ठीक कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। मैंने बहुत खराब समय देखा है अपने जीवन में, बहुत खराब समय देखा है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद मैं बर्बाद हो चुका था, गलत संगत में, नशे में, गलत रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में गलत हरकतें करके, अपने रिलेशनशिप में मैंने बहुत गंदगी की है, बहुत गलत हरकतें की है, लोग मुझे छोड़ गए हैं मेरे हालातों पे,
बहुत, मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी थी जहाँ से सिर्फ आत्महत्या करना ही सही लगता था, क्योंकि मेरा ईगो इतना बड़ा था कि झुकूंगा नहीं भले मर जाऊंगा। सही समय पे सही रास्ता किसी ने दिखाया, जैसे कि आज मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे एक बौद्धिस्ट मॉन्क मिल गए थे, उनके साथ मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के फिर मॉनेस्ट्री जा कर के बहुत कुछ सीखा समझा, फिर आया यूट्यूब चैनल चालू किया, सब कुछ जीवन सही तरीके से चलना शुरू किया, हीलिंग साइंस को सीखा, सारी चीज़ों को जो चीज़ आप देखते हो मेरे दूसरे चैनल में, रेकी, लामा फेरा, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ को सीखा समझा, और आज इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों से। अब सच बताऊँ, आखिरी में सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये जन्म कभी ख़त्म ना हो ऐसा मन करता है, कि आप लोगों से जो इतना प्यार मिला है, जो लोग छोड़ गए थे उनसे इतना प्यार मिला है, परमात्मा का इतना प्रेम मिला है, इतना सपोर्ट मिला है, रूप रंग यौवन खूबसूरती सब चीज़ मिल गई, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे लोग, अच्छा पार्टनर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, जो जो चीज़ें चाहिए सब चीज़ मिल गया कुछ ही सालों में। क्या किया मैंने? बस जीवन को उसके मूलभूत स्वरूप में स्वीकार लिया और वहाँ से प्रेम से, समर्पण से, सहजता से मेहनत करनी शुरू की, ज़ीरो से शुरुआत किया और सब ठीक हो गया। मैं ये बात ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं अकेला हूँ, मेरे जैसे कितनों ने ऐसा ही अपने जीवन को शुरू किया और सब ठीक हो गया। खड़े होइए, सहजता से लड़िए परिस्थितियों से, जीवन से मत लड़िए, अपने आप से मत लड़िए, परिस्थिति से लड़िए, और परिस्थिति ही आपको उठाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई नहीं, परिस्थिति आपकी दुश्मन नहीं है, वो लड़ नहीं रही, वो केवल आपकी परीक्षा ले रही है, और यही सच है, यही सच है। तो अगर आत्महत्या करने का ख्याल आ रहा है तो एक बार और सोचो दोस्त, वैसे भी मरना है, नस काटना है, फांसी लगाना है, जो करना है वो अब वो करना है, आज मरना है, तो क्यों ना 40-45 दिन के लिए एक यात्रा में निकल जाए, फिर अगर मरने का मन होगा तो मर जाना, और ना मरने का मन हुआ तो कमेंट में आके बता देना कि मेरा जीवन अच्छा हो गया, ये वीडियो तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। चलो जी, आशा करता हूँ ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। नमस्ते आजी।